मेरे दोस्तों, 800 जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 467 467, और शो का टॉपिक है बुराई और भलाई। शो का टॉपिक है भलाई और बुराई, और जो आज का हवाला है नोहा, उसका 3 बाप, तो उसकी 38 से 41 याद तक पढ़ूंगा। नोहा, उसकी 38 39 40 और 41 याद तक पढ़ूंगा, और यूं लिखा है, क्या भलाई और बुराई हक ताला के हुक्म से नहीं? क्या बुराई और भलाई हक ताला के हुक्म से नहीं? बस आदमी जीते 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 जी क्यों शिकायत करे? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे कि जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो, जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो, हम अपनी राहों को ढूंढें, हम अपनी राहों को ढूंढें। अपनी राहों को ढूंढें और जाने के खुदावन की तरफ फिरें। हम अपनी राहें ढूंढें और खुदावन की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हजूर हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। अपने हाथों के साथ साथ अपने दिलों को, ये बहुत जरूरी है कि हम हाथों को तो उठाते हैं भक्ति तौर पर, या सच्चे सच्चाई के साथ, या भलाई के साथ, या किसी भी मतलब के लिए, लेकिन हम खाली हाथ ना उठाएं। अगर हम हाथों के साथ अपने दिलों को भी उसकी तरफ ले जाएं तो क्या ही भला होगा? क्यों नहीं बरकतें और फजलें मिलेंगी? जो हमारी शिकायतें हैं या जो बुराइयां भुलाइयां हैं, वो सब माफ करने के लिए तैयार है। तो आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे मैं बता चुका हूं पहले कि शो का टॉपिक है भुलाई, सारी बुराई और भुलाई। खुदा ने तो भलाई ही बनाई इंसान को, लेकिन बुराई कहाँ से आई? ये तो समझने वाली और सोचने वाली बात है कि बुराई क्यों आई और किस लिए आई, और हम क्यों इसके आदी हो गए हैं कि हम भलाई कम करते हैं, नेकी कम करते हैं, नेकी की तरफ हमारा जो ध्यान है या दिमाग है, या हम उस तरफ कम जाते हैं, लेकिन बुराई की तरफ हम ज्यादा मायल होते। क्यों? इसलिए कि शैतान हमें बुराई की तरफ ले लेके जाता है, और हम शैतान की बातों को मान लेते हैं, लेकिन खुदा बाप और खुदा बेटे और इस पाक कलाम की बातें, जिसका हवाला भी मैंने पढ़ा नोहा की किताब से, लेकिन हम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और यही वजह है कि खुदा हमसे खुश नहीं होता, और हम गिले शिकायतें फिर खुदा से ही करते हैं, चूंकि हम भुलाई की तरफ कम जाते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और शो भी मैंने बताया कि बुराई और भलाई, तो पहली पोस्ट है मबीन राव, दोनों ने लिखा है, उनकी 4 पोस्टें मैंने ली हैं। पहली पोस्ट है, कहते हैं कि किसी घर किसी के घर रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम रोज रोज बिना किसी वजह के, बिना किसी जरूरत के, तो हम रोज रोज जाए तो इज्जत जो है वो इंसान की कम हो जाती है, लेकिन वहां अल्लाह का घर है। और ये बात बहुत खूबसूरत है कि वहद अल्लाह का घर है, खुदा का घर है, जहां रोजाना 5 बार भी जाने से इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि खुदा के जहन में
हमारी इज्जत बढ़ जाती, खुदा हमने फिर बख्ते और फजल देता है। चूंकि ये मेरे भाई दोस्त मुसलमान भाई हैं, उनकी पोस्ट से मैंने ली है पोस्ट, लेकिन चूंकि मुस्लिम भाई तो 5 बार दुआ करते हैं दिन में, लेकिन हमने तो कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा मबीन साहब ने लिखा है कि खुद अपने ईमान या अपने कीदे के हिसाब से तो उन्होंने ठीक लिखा है। कि वो 5 बार नमाज पढ़ते, लेकिन हमारे लिए तो कोई पाबंदी नहीं, हम 24 घंटे भी खुदा के सामने झुके, उसके घर में जाए तो जरूरी तो नहीं कि हम गिरजों में जाएं, हम अपने घर में भी खुदा के सामने जा सकते हैं। और खुदा के सामने जितनी इज्जत बढ़ेगी वो इंसानों के घर रोज रोज जाने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश, कोई वक्त हो, कोई जरूरत हो, कोई दुख तकलीफ, कोई बीमारी हो तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन नजायज हर वक्त जाना, उससे इंसान की इज्जत जो है वो, दोस्ती भी कमजोर होती, रिश्तेदारी भी कमजोर होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के, लेकिन खुदा के घर में जाने से हमें परहेज नहीं करना है। रोज जाए, जब मर्जी जाए, 5 बार जाए, 5 बार से ज्यादा बार भी आप जाए तो खुदा को कोई इतराज नहीं होगा, बल्कि खुदा ज्यादा खुश होगा। उसके बाद दूसरी बात है, तमीजदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत बातें दिल में ही रह जाती है। इज्जतदार या तमीजदार होने से बहुत सारी बातें जो है वो दिल में रह जाती है, और ये बिल्कुल ठीक, चूंकि हम अपनी तमीज के दायरे में रहते हैं, अखलाकी दायरे में रहते हुए हम जो है बहुत सारी बातें करने से घबराते हैं, क्योंकि कई बार हम कमजोर दिल हैं या आगे से जो सुनने वाले लोग हैं वो सच्ची और अच्छी बातें नहीं सुनता, तो फिर हम अपनी एक तमीज के दायरे में, अपने जो हमारी तरबियत के दायरे में रहते हुए हम उतनी की बात ही करते जितनी की जरूरत है, ज्यादा बातें करने इस वजह से कि हमें तरबियत इतनी ज्यादा इजाजत नहीं देती कि हम कोई नजायज बात करें। और ये बिल्कुल अच्छी पोस्ट है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है नवीन राव की, हम वो लोग हैं, बहुत खूबसूरत पोस्ट, हम वो लोग हैं जो दूसरों के लिए दुनिया में ही जन्नत और दोजख का फैसला कर देते हैं। और ये बहुत वैसे बिल्कुल 100% बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि हम वो पाकिस्तानी लोग हैं कि हम अपने अंदर तो या अपने मुल्क में या अपने आप को तो अभी तक मजबूत नहीं कर सके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरी हुकूमतें, इवन अमेरिका जैसी, बर्तानिया जैसी, या जो भी मिडल ईस्ट में भी जो बड़े बड़े बहुत हुकूमतें हैं वो हमारी बात सुने। जैसे हुकूमत बन जाती है तो अपोजिशन या लोग चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, हम जो कहते हैं वो करें, वो आईन और कानून को छोड़े। और यही बात अगर मैं मुबीन राय की, इसलिए मैंने कहा है कि इसी तरह हम जो सजा और जजा का हक है वो तो खुदा का है, वो तो उसने देनी है, भलाई या बुराई कौन, हम अगर बुराई करेंगे तो हमें बुराई मिलेगी, अगर अच्छाई करेंगे तो अच्छी बातें मिलेंगी और बरकत मिलेगी, फजल। लेकिन हम इंसान होते हुए ही खुदा की बात सोचते हैं और हम कहते हैं कि ये जहन्नम में जाएगा, ये पक्का जहन्नमी है। हालांकि उससे ज्यादा अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा गुनाहगार हूं और मुझे हो सकता है कि जहन्नम मिले ही मिले, लेकिन मैं किसी को क्यों दावा कर रहा हूं कि इसको जहन्नम मिलेगा या दोजख मिलेगा या फरदौस मिलेगा, और अपने मतलब ये ख्याल करूं कि मैं फरदौस में जाऊंगा और मुझे 70 हूरें मिलेंगी और 70 हूरों के बाद भी हजारों हूरें जो उनकी खिदमत करने के लिए होगी, और ये सोच हम रखते हैं तो फिर हम इंसान तो नहीं, हम तो खुदा हो गए। लेकिन अगर हम भलाई करें और बुराई काम करें तो हम बहुत सारी बातें खुदा के सामने हमारे लिए
अरे हमारे हक में हो सकती है। और खुदा हमने बहुत सारी बातों से हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करके हमें वाक्य ही फरदौस का हकदार बना सकता है। उसके बाद चौथी पोस्ट है मबीन राव की, वो रिश्ता जो दिल में कहीं मर जाता हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत पोस्ट है। वो रिश्ता जो दिल में कहीं मर जाता है उसकी लाश इधर उधर लटकाए फिरने का कोई फायदा नहीं। उसे दफन कर देना चाहिए, उसे दफन कर देना ही बेहतर है, क्योंकि मुर्दा रास्ता मुर्दा रिश्ते मुर्दा इंसानों से ज्यादा तौफन ज्यादा होते, ज्यादा बदबूदार होते। कि आपके आप किसी भी रिश्ते को जब खत्म कर चुके हैं तो फिर उसकी बुराइयां करने से वो नुकसान वैसे ही है कि जैसे एक मुर्दे से बहुत बुरी बदबू होती है, और वो बदबू इंसान की बर्दाश्त से भी बाहर होती है। तो हम क्यों, जब एक रिश्ते को छोड़ दिया तो फिर हमें उसको भूल भी जाना चाहिए? फिर हम बात जगह जगह उसको बातें करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, भलाई की बजाय हम उसकी बुराइयां करेंगे। तो जैसे ये लिखा है कि मुर्दा इंसानों से ज्यादा तौफन ज्यादा बदबू जो है वो होती है। और बिल्कुल ठीक बात है कि हम वो लोग हैं कि हम रिश्ते जोड़ते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है, बुराई ज्यादा करते हैं, भलाई कम करते हैं। और इसी वजह से ये रिश्तेदारियां दोस्तियां बहुत सारी जो बातें हैं इधर उधर की बातें रिश्तेदारियां हम खो देते हैं, क्योंकि हम किसी को अपने खाते में लिखते नहीं। हम बुराई भी करें तो ये हम समझते कि बुराई को भी नेकी समझा जाए, ये भलाई समझा जाए। उसके बाद एरन गिल साहब यूएसए से, बहुत अच्छी उनकी तीन पोस्टें ली है। पहली पोस्ट है यूएसए मैरीलैंड में है। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जिंदगी जब महसूस होती है फिर ही, सॉरी दोबारा पढ़ूंगा, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी जब मायूस होती है तब भी महसूस होती है। कि हमारी जिंदगी में जब मायूसी आती है, परेशानी आती है, तो फिर हमें महसूस होता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी के मुतालिक फिर महसूस होता है। लेकिन हम सोचते उस वक्त ही है कि जब हम किसी परेशानी किसी मुश्किल में किसी दुख तकलीफ में, फिर ही हमें पता लगता है कि जिंदगी क्या है, जब मायूसियों में गिर जाती। लेकिन हम अपनी जिंदगी में अगर जवानी से लेकर, क्योंकि जब बकायदा पूरी हमें होशो हवास खाता है जिंदगी, जब जवानी में दाखिल होते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में दाखिल, उस वक्त से लेकर हम अच्छाइयां करनी शुरू कर दें, तो फिर हमें अगर परेशानी हो तो फिर मायूसी नहीं होगी। फिर जरूरी नहीं कि हम परेशानी में ही खुदा को याद करें। अगर हम हर वक्त खुदा को याद करें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि अगर 5 बार हम खुदा के घर में जाए, तो अगर हम हर वक्त खुदा को याद करें तो फिर हमें जिंदगी में मायूसियां कम होंगी। लेकिन हम भुलाइयां ज्यादा करें तो फिर नेकियां ज्यादा करें, बदी काम करें, बुराई काम करें, तो फिर हमें जिंदगी खूबसूरत लगेगी और दोस्त हबाब भी हमें अच्छे लगेंगे। उसके बाद 3 शेर हैं बहुत खूबसूरत, एरन गिल साहब ने खुदा यीशु मसीह के हवाले से लिखे हैं। फजीलत मसीह, खुदा यीशु मसीह की फजीलत के मतलब, उनकी फजीलत में तो किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो खुदा बाप और खुदा बेटा है, खुदा का बेटा है, कलाम मुजस्सम हुआ। तो उन्होंने लिखा तजस्सम खुदा इब्ने महमूद अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा। ये तो बाइबल की बात है ना, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा था, वो तो बाइबल की बात है। लेकिन उन्होंने अपनी शायरी में बहुत अच्छा इसको इस्तेमाल किया। तजस्मे खुदा इब्ने महमूद अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, इंसान क्या उसकी तारीफ करेगा,
क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इंसान क्या तारीफ उसकी करेगा, रब ने किया सरफराज जिसे, और बिल्कुल जिस जिस बेटे को उसने सरफराजी दी, जहरे को उसकी सरफराजी तो थी क्योंकि वो खुदा का बेटा था, वो मुजस्सम हुआ, माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ, वो खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा, तो फिर उसकी सरफराजी तो खुदा की तरफ से। हम तो जैसे पहले यहां बात, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि हम वो लोग हैं जो दूसरों के लिए दुनिया में ही जन्नत और दोजख का फैसला कर देते हैं। और अगर मैं इस शेर में जो गिल साहब कह रहे हैं कि इंसान उसकी तारीफ, वाकई हम उसकी तारीफ ना कर रहे हैं, ना हम काबिल है और ना हम कोशिश ही करते हैं कि वाकई फजीलत मसीह जो है, खुदा यीशु मसीह की इज्जत है, खुदा बाप और खुदा के बेटे की इज्जत है, हम इंसान इस काबिल ही नहीं, ना हम कोशिश करते, इसलिए कि हम बुराइयों में ज्यादा पड़ते हैं, हम भलाई में या नेकी की तरफ हम कम जाते हैं। लेकिन जो सरफराजी खुदा यीशु मसीह को, खुदा बाप ने अपने बेटे को दी, इससे बड़ी सरफराजी कभी भी हम मिलियन ट्रिलियन भी जाए हो जाए, वो हमारी दुनियावी इज्जतों की, वो झूठी इज्जतों की, दिल से नहीं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की जो भी इज्जत हम इंसान करते हैं, जब हम उसको मानते, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूपक, उसकी इज्जत हम कभी भी कम नहीं होने देंगे। बहुत खूबसूरत लिखा गिल साहब आपने, अजमत की अलामत शान खुदाई सबसे हुआ अफसल। क्या बात है, बहुत उसकी जो अजमत शान इलाही है वो सब इंसानों से अफजल है। हम उसके मुकाबले में कितने भी कोई लोग आ जाए, हम उनकी इज्जत उसके मुकाबले में, हम लाख खुद को भी भले उसके कदमों पड़े, उसको सजदे में करे, क्योंकि इंसान कमजोर है, कमजोरी में लालच में बहुत कुछ कर, लेकिन जो सजदा खुदा यीशु मसीह को या जो बात उससे हम मांगे, वो खुदा बाप की इज्जत और जलाल में बड़ा इजाफा करेगा। इज्जत की अलामत शाने खुदाई सबसे हुआ अफजल, वो सबसे अफजल है, फरिश्तों में अफजल, दुनिया में इंसानों से अफजल है, उससे आता कोई भी नहीं, खुदा बाप और खुदा के, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। अगर हम, मैं दुनियावी तौर पर कहता हूं कि मेरा बेटा अगर गिल होगा तो जहर है कि मेरी खानदानी गिल है, तो लेकिन वो तो खुदा का, तो अजमत की जो भलाई खुदा के बेटे की, वो खुदा ही होगा, तो फिर वो तो खुदा है। बहुत अच्छा लिखा, करके ऊंचा फरिश्तों से भी रब ने सरबुलंद किया जिसे, और फरिश्तों से भी ऊंचा, जाहिर फरिश्ते तो वो है जो खुदा खुदा के सामने, उसके तख्त के सामने, जहां पर खुदा का बेटा उसके दाएं तरफ बैठा, तो सजदे तो वो उनको करते हैं, तो बुलंदी तो है ही है उसकी, खुदा यीशु मसीह से बुलंदी किसको नहीं, खुदा बाप ने, गो इंसानों ने उसे पूरी कोशिश की, जो भी तजील कर जलील कर सकते थे, लेकिन उसने मर का स्लीप पर फतह पाई, मौत पर फतह पाकर सबको, शैतान पर फतह पाकर अपनी अजमत का, सरबुलंदी का जो वो साबित कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके बाद रजा पिदर थी, रजाए पिदर थी, तकदीर से इंसान करने का अमलियत हुआ कुर्बान, खुदा की मर्जी थी, क्योंकि ये तो हम नबियों के सहीफों में पढ़े, उनकी पेशगोनियों में, पेशगोइयों में पढ़े, तो वह लिखा हुआ उसके उसके साथ ये सारा कुछ होना था, क्योंकि ये तो पुराने आदना में शहरियत में सब चीजें लिखी हुई हैं, जो भी थी कामलियत थी, जो कुछ भी वो कुर्बान होना था, वो पहले से ही लिखा था, उसकी पैदाइश के मतलब भी, उसने पैदा भी होना, उसने दुख भी उठाने, और ये सब कुछ पहले से ही था, होके अजीम बैठा दाने हाथ रब के किया फर्जंद, और जब उसने सारा कुछ मौत पर फतह पा ली, वो इस दुनिया से जब चला गया, तो फिर वो बाप के दाने हाथ बैठ गया, और उसको इतनी बड़ी इज्जत, क्योंकि वो बाप था, बाप खुदा बाप पर, खुदा बेटा था, वो बादशाहों का बादशाह था, तो खुदा बादशाहों का बादशाह, तो उसका बेटा भी बादशाह था, तो उसके दाने हाथ ही बैठना था, क्योंकि उसका बेटा था,
बहुत खूबसूरत लिखा गिल साहब आपने। तीसरी पोस्ट है गिल साहब की, कभी दर्द है तो दुआ नहीं, क्या बात है, और बिल्कुल सच्ची बात है, कभी दर्द है तो दुआ नहीं, खुद खुद मिली, खुद मिली सारी, कभी दर्द है तो दुआ नहीं, जो दुआ मिली तो शफा नहीं, वो जुल्म करते इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा ही नहीं, क्या बात, बहुत अच्छी है। गिल साहब शायरी का भी शौक करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट है, बहुत अच्छी लिखते हैं, और वाकई अगी कभी दर्द है तो दुआ नहीं, जो दुआ है, दुआ मिली तो शिफा नहीं, क्यों नहीं हमें शिफा मिलती, क्योंकि हम भलाई कम करते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं, खुदा को याद कम करते हैं, अगर हम खुदा के पास जाते रहें तो फिर बुराइयां करते रहें तो फिर हमें शिफा मिलेगी, शिफा हम हमारा ईमान है, और हम कहते हैं हम डॉक्टर के पास तो जरूर जाते हैं, हकीम के पास तो जरूर जाते हैं, लेकिन हमारा ईमान ये होता है कि शिफा जो हमें मिलनी है वो खुदा की तरफ से, क्योंकि डॉक्टर या कोई भी वो तो वसीला होते हैं, लेकिन शिफा जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है, और बिल्कुल इसमें कोई कोई गुंजाइश वाली बात नहीं, शफा अगर वैसे भी बगैर डॉक्टर के भी अगर हमारा ईमान पुख्ता है तो शफा मिल सकती है, लेकिन हम ईमान के कमजोर हैं, भलाई कम करते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं, नेकी कम करते हैं और बुराइयां ज्यादा करते हैं, गुनाह की तरफ ज्यादा मायल होते हैं, इस वजह से हमें बहुत सारी चीजों की सजा मिलती है, वो जुल्म करते हैं इस तरह के जैसे, और बिल्कुल ये ठीक बात है कि जो इंसान इतना आगे बढ़ जाता है, जिसको खुदा ने इतनी बरकतें, फिर वो जुल्म पर उतर आता है, और वो फिर जब इतना जुल्म करता है और वो ये समझता है कि इसका कोई खुदा नहीं, मैं ही खुदा हूं, बस मैं जो कुछ मर्जी करूं, जितना मर्जी मैं जुल्म कर लूं, लेकिन उसकी आखिरत जो होगी, चूंकि उसने बुराइयों की इंतहा की होगी, तो फिर वो लाजर जैसी मिसाल होगी कि जैसे वो अमीर उस अमीर के मेज के नीचे टुकड़े खाता था, तो फिर वो उसको सजा कहां मिलेगी, जन्नम में, दोजख में, क्योंकि दोजख की आग किसके लिए है, शैतान के लिए, क्योंकि शैतान खुदा के मुकाबले में आया और खुदा ने दोजख उसके लिए तैयार किया, इसका मतलब है कि हम शैतान की हुकूमत के या उसके जो हुकूमत है या उसके जो हुक्म है, बुराई के हुक्म है, तो फिर हमें सजा तो मिलेगी, खुदा तो हम सबका है, ये बात है कि दौलतमंद जो अमीर है वो खुदा अपने आप को, और उसमें कसूर हमारा भी होता है कि हम उसको खुदा समझ बैठते हैं कि ये मेरे लिए शायद भलाई करेगा, लेकिन जो असली खुदा बाप और खुदा बेटा रूप आकर हम उसको भूल जाते हैं और इस वजह से हमें सजा मिलती है, इसलिए हमने नेकी की तरफ बढ़ना चाहिए, बुराई की तरफ हमें कम जाना चाहिए। अरबाब खोखर, अनवर खोखर, वो एक शेर के नाम से बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके दो शेर हैं, चेहरे पे जो मस्कान है, ये चेहरे पे जो मस्कान है यस्सु की यता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है कि जो हम हमारे चेहरे पर अगर हम नेकियां बुराइयां छोड़कर भुलाइयां करते तो चेहरे पे जो मस्कान खूबसूरत हंसी वो खुदा की तरफ से, यस्सु की तरफ से, उस यस्सु की तरफ से जो हमारे लिए कुर्बान होकर ये हमने मुस्कान दी, ये खुशी दी, ये हंसी दी कि अगर हम उसकी उसकी तालीम पर हम करें तो फिर हमें सब कुछ वो अनायत करता है, वो सब कुछ हमें मिलता है, मुर्दा बदन में जान है यस्सु की अता है, और बिल्कुल जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो उसने उसकी जान अता की हुई है, वैसे तो जो कुछ भी मैं हूं आप हैं कुल आलम है सब कुछ की, सारा कुछ की उसकी अता की हुई है, हमारे कान आंखें सब चीज जो कुछ भी, और सबसे बढ़कर जो उसकी अता है वो है जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी के जिसके लिए इसने बहुत सारे खुदा ने हुक्म भी दिए, वो हुक्म किस लिए दिए, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, लेकिन हम इंसान बुराई की तरफ ज्यादा मायल होते हैं और नेकी या भलाई की तरफ कम जाते हैं, और यही मेरा टॉपिक है, बुराई और भलाई, ये नोहा की किताब का जो हवाला पढ़ा मैं आखिर में फिर पढ़ूंगा,
दूसरा शेर है, हम शहरे सितम घर में वफा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, इस दुनिया में, शहरे सितम घर में, इस दुनिया में वाकई वफा खत्म हो चुकी, वफा थी लेकिन बुराइयां इतनी बढ़ गई, गुनाह इतना इस दुनिया में एक बार फिर बढ़ गया, जैसे कि खुदा यीशु मसीह के आने से पहले था, और वो बिल्कुल उसी तरह ही गुनाह बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बुराई ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो फिर हम इस दुनिया से या इन लोगों से या अपने घरों से या अपने मुल्क से जहां पर हम आबाद हैं, जहां पर ज्यादा जुल्म और जबर होता है, तो फिर हम क्या उनसे वफा की या किसी किस्म की नेकी की क्या क्या तो कर सकते हैं। नदान है पत्थर में खुदा ढूंढ रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा अरबाब साहब, बहुत अच्छा। हम नदान है, आगे दो पोस्टर में पढ़ूंगा इस हवाले से कि खुदाम दिए सुमसी के आने से पहले रोमियो के हवाले से थी कि जब वो बहुत परस्ती करते थे, और आज भी हम पत्थरों से वफा ढूंढ रहे हैं। ये कैसा मेरे भाई का शेर है, ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमन, ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमर, मैं पत्थरों में वफा तलाश करता हूं। तो हम पत्थरों से वफा तलाश कर रहे हैं, पत्थरों से खुदा देख रहे हैं कि शायद ये पत्थर जो है वो हमें कुछ देंगे, लेकिन पत्थर तो पत्थर है, बस को टोकरे लग दी, कभी उधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, लेकिन खुदा तो एक जगह पे मौजूद है, वो तो ना इधर उधर हो सकता है। तो वो उसकी जो तालीम है, जो हुक्म है, उन पर अमल करते रहे, तो फिर खुदा तो बावफा है, खुदा तो हमारे साथ बेवफाई नहीं करेगा, इंसान तो करता, उसकी फितरत है, अगर उसकी फितरत में शामिल ना होता तो उस जन्नत से, उस बागे धन से क्यों निकाला जाता। लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह ने आकर फिर हमने हमारे लिए वो बागे धन तो खोल दिया, अब हमारा काम है कि उस बागे धन में दाखिल कैसे होंगे। बुराइयां करके तो नहीं हो सकते, भुलाइयां या नेकियां या अच्छे अमल करके ही हम उस बागे धन में, जो कि फरदौस का दरवाजा बंद था, खोल गया, हम कैसे उसके। बहुत अच्छा लिखा अरबाब साहब आपने, सैमसन तारक साहब कैलिफोर्निया से, उनके बहुत अच्छे अशार हैं, चंद सांसों में सांसे यसु की दी हुई है। बिल्कुल वही अरबाब जैसी बात ही है कि जो भी मैं आज शो कर रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे शो को लाइव देख रहे हैं, तो ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसकी उसकी सांसें हैं, उसकी सांस, उसकी रूह, उसका दम हमारे नथनों में फूंका गया और हम जिंदा जावेद हुए और हम चलते फिरते हैं खुदा के हुक्मों की मेहरबानी से, लेकिन साथ साथ नेकियां भी करें तो ये सांस और बढ़ सकती है, दराजी उम्र मिल सकती है, खुदा और हमें बरकते और फजल दे सकता है, वरना गुनाहों की गिरे गांठे, वरना गुनाहों की गिरे मेरी तहें तहें ली हुई हैं, कि मेरे दिल में गुनाहों की या मेरे जिस्म में गुनाहों की तहें जो वो गिरा गांठ लिए हुए, जिन्हों असीन गांड दे देती है, तू बड़ा यार पक्का एक गांड दे देना ते गांड खोलदा नहीं, मतलब नाराजगी दी या गुस्से दी, तो वो ही तहें जो है वो गांठों की तरह वो हमारे दिलों में, हमारे जिस्मों में, हमारे दिमागों में बसी हुई है, और जब तक वो तहें नहीं निकलेंगी, हम इंसान बुराई करेंगे, भुलाई की तरफ हम नहीं जा सकते। स्लीप का मंजर है सामने और खून की आबशार है, बिल्कुल हमारे सामने अभी ईस्टर आने वाला है, तो स्लीप की बातें ही होगी, उसके खून की बातें होंगी, उसके जख्मों की बातें, उसके स्लीपी रास्ते की बातें होंगी, हमारे सामने सारे वाक्यात हैं, लेकिन स्लीप के मंजर हैं सामने और खून की आबशार, बर्फ की मानद जिंदगियां, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा, बर्फ की मानद जिंदगियां ये सफेद डली हुई हैं, उस जैसे बर्फ की डलियां, जैसे हम डल चुके हैं बुराई में, इसी तरह हम डल चुके हैं कि हम उस स्लीप से जो खून बहाया गया, हम उसको मानते भी हैं, देखते भी हैं स्लीप पर सब कुछ, लेकिन हम फिर भी
शैतान के नरगे में ज्यादा रहते हैं। अपने अपने जरफ जरफों में हम आगे ही आगे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा तारक साहब ने। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, रेवरेंड हैं अपने कैलिफोर्निया में, वैसे कराची के हैं, बहुत अच्छा लिखारी भी हैं, वकील हैं। तो उन्होंने ये भी लिखा कि अपने अपने जरफों में आगे ही आगे हैं, दूसरों के जरफों में चीजें हैं बिकी हुई। हम अपने तौर पर अपनी अपनी जगह पे, मैं हूं, मैं जो कुछ हूं वो, मगर इस हवाले से शेर को ले लूं तो ये सही लिखा है कि हम अपने जरफों से, हम चाहते हैं कि मैं हूं और कोई भी नहीं, लेकिन जो खुदा है उसके वो ही है, उसके अलावा खुदा बाप और खुदा बेटा। लेकिन हम दुनियावी तौर पर चाहते हैं कि हम खुदा बने और हमें गुना, हमें खुदा माना जाए, हमारी बातों को माना जाए। तो ये तो हम इंसानों की बात है। उसके बाद कामलियत के असबाक, असबाक सब सबकों से कामलियत के असबाक हैं, सबने पढ़े हुए कि हर एक ने कामलियत के मुकम्मल के मैं कामल हूं, हर एक ने अपने आप को कामल समझा कि मैं कामल हूं। हालांकि कामल जो है वो तो कामलियत जो वो तो खुदा की है, खुदा में है, लेकिन हम अपने आप को इतना कामल समझते कि हम ही सब कुछ हैं। तो गाफिल हैं कि ये बातें इंसान से हैं, नफी हुई। और ये जो कामलियत की बातें, जो खुदा की बातें हैं, हम हमसे वो नफी हो चुकी है, क्योंकि हम जो मानते ही नहीं जब किसी को, हम अच्छाई की बातें नफी हो चुकी है, बुराई हमने मुस्बत कूट कूट कर भरी जा रही है। इंसानियत के नाते से हमने ठीक है बहुत कुछ, पादरी साहबान, बिशप साहबान बनते, लेकिन वो मैं नहीं समझता, मैं तो खुल के बात करता हूं कि वो सिर्फ एक मजहब जो है वो एक पेशा बन चुका है। लेकिन अगर अखलाकी तौर पर वाकई तालीम जाए तो फिर इतने फिरकाबंदी, इतना कुछ ना हो, फिर अपने अपनों काबल ना सर, फिर कामलियत जो है वो सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटे में है और किसी चीज में नहीं। और मजहब की बात इसलिए मैं कई बार ये पोस्ट पढ़ चुका हूं, पता नहीं मुझे भूल के आज भरल उसने ये लिखा है कि जहां पर जहालियत ज्यादा होती है वहां पर मजहब के जो ठेकेदार है वो ज्यादा हो जाते हैं, क्यों, फिर वो मजहब जो है वो पेशा बन जाता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आखिरी शेर है, तारक तेरा प्रचार पसंद आए ना आए किसी को, तेरा प्रचार, हर आदमी जो सच्ची और अच्छी बातें करता है, भलाई की बातें करता है, तो वो तो जाहिर मैं भी शो करता हूँ, खुदा के नाम पर करता हूँ, ये तो किसी की मर्जी है, किसी को पसंद आए ना आए, क्योंकि मैं तो अपने आप को बंदा बना लूँ तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को सीधा कर ले तो बड़ी बात है। बहरहाल जो भी किसी को कोई चीज पसंद आए ना आए, लेकिन शुक्रगुजार हूं आप सबका का, फिर भी मुझे अगर 300-400-500 लोग मुझे सुनते हैं, 50 भी सुनते हैं, तो मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आप सुनते हैं। अगर 400-500 में से 2-3 भी खुदा पर पुख्ता ईमान, सच्ची और अच्छी बातें, भुलाई की बातें, नेकी की बातें, खुदा के कवानीन की बातें मान ले तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। आलूदगियां आलूदगियां मेरे ही की जो देखो अब है डली हुई, आलूदगियां गुमराही की, आलूदगियां गुमराही की देखो अब है डली हुई। और बिल्कुल हम बुराई की बातें तो करते हैं, लेकिन जाहिलियत ज्यादा, फिर भी क्यों जाहिलियत फैली, क्यों जाहिल लोग ज्यादा पैदा, और क्यों हमारे तरफ हम पढ़े लिखे लोगों में या अखलाकी लोगों में क्यों नहीं शामिल हो जाते। हम अपनी घरेलू तालीम को मजबूत करें, खुदा बाप और खुदा बेटा कहने से तो हमारी जो तालीम मुकम्मल नहीं होगी, जब तक मजहबी तालीम के साथ साथ घरेलू तालीम, खुदा की तालीम, अच्छी और सच्ची बातों की तालीम बच्चों में जो होना है वो बहुत जरूरी, फिर जाके कौम मजबूत बनती है। और जो मैं दो पहले में मैंने दो बातें बहुत अच्छी है,
पुराने दौर के खुदाम यीशु मसीह से आने के पहले से या बाद में जो भी जून जून जो महीना है ये उर्दू सफाती दो पोस्ते हैं। इस महीने का नाम एक देवी जूनो जूनो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जी यू एन ओ जूनो के नाम रखा गया। अलबत्ता बात लोगों को नजदीक ये नाम रोम के मशहूर शख्स जूनिलेस के नाम पर रखा गया है। बहरहाल ये काफी सारे महीनों की हिस्ट्री लिखी जाती है। अगर मेरे पास आई किसी के पास अगर हिस्ट्री हो तो जरूर हर एक महीने की हिस्ट्री जरूर है। तो जूनिलेस के नाम पर रखा गया और जूनो देवता का सरदार था। जूनो जो था वो देवताओं का सरदार था। जुपिलेटर मेरे ख्याल ये सियारा है, मैं एक्सेंट नहीं सही कर रहा। जुपिलेटर पर रखा गया जूनो देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी, मतलब उस देवता की बेटी थी। जबकि जूनोलेस एक सारी जूनो केस एक बड़ा बेहरम और सफाकाना इंसान था। बहुत सफा बहुत कातल या जालम किस्म का इंसान था जिसकी बेटी थी, जो मतलब बहुत परस्ती की। ये तो ये जो जून है उसी नाम से जून इस महीने का नाम देवी जूनो के फिर उसी वजह से इस महीने का नाम जून रखा गया। उसके बाद दूसरी पोस्ट है ये भी इन्हीं की है उर्दू सफा की रोमी कप के अपनी इस देवी देवतों की मथियालोजी तर्क करके ईसाइयत इख्तियार कर चुके हैं। जब मैं ये पोस्ट लिख रहा था तो मैंने कहा कि इन रोमियो ने ही खुदाम जी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, स्लीप पर चढ़ाया था, कोड़े मरवाए थे, कांटों का ताज रखा गया प्रेशर में, यहूदियों के प्रेशर में, चूंकि वो खुद उस वक्त खुदा को नहीं मानते थे। फिर उन्होंने जब जोर देखा तो फिर उन्होंने यहूदियों की या जो उस वक्त भी जो फकीर फरीसी थे जो भी थे उन्होंने जरूर उनके कहने पर, लेकिन जिन रोमियों ने जो बुतों को पूजते थे देवी देवता को पूजते थे आज उसी रोम में खुदा का तख्त ताज है, वहां पर पोप बैठता है, वहां पर पत्रस ने उल्टी स्लीव ली थी। तो देखो जिन्होंने सूली चढ़ाया वही आज दुनिया में रोमन कैथोलिक जो फिरका है उनकी वजह से रोम में उनका तख्त ताज, खुदा का तख्त ताज या पोप की जो कुर्सी है जो खुदा यीशु मसीह ने जिस पत्रस को कहा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, वो पत्रस रोम में पहुंचा था और वो कलीसिया वहां पर, और वो बहुत सारी कौम जो थी रोमी वो ईसाइयत को कबूल किया, क्रिश्चियनिटी को, मसीही को उन्होंने कबूल किया। बहुत अच्छी पोस्ट। अब इनके नजदीक ये लफ्ज ये सिर्फ किस्से कहानियां की हद तक रह गया, मतलब अब वो जो बुत परस्ती या देवती होती है या सितारों को या सूरज को पूजने वाले थी वो अब कहानियां उनके जेन में रह, आगे बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन हैरत होती है कि हिंदू मथियालोजी जो कि रोम से थी ज्यादा मजाका खेज है और बिल्कुल ज्यादा मजाका खेज है कि हम जो हिंदू देवी तो ऐसी ऐसी उनकी देवी देवता पूजते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। आगे बहुत अच्छा लिखा है और मजाका खेज इंतहाई लघुआत जो ऐसे जिनके कोई मैनी नहीं है वो हैं, इनके नजरियात में मजीद शिद्दत पसंदी आती जा रही है। और बिल्कुल ये जो मसला कश्मीर या जो मुसलमानों के खिलाफ और जो मोदी साहब है वो बहुत शिद्दत पसंदों के हाथ में, और वो उनके उनके जो जो वो कहते हैं शिद्दत पसंद लोग वो सब कुछ कह रहे हैं। और आखिर में यही जो लिखा है ना कि इनके नजरियात में मजीद शिद्दत पसंदी आती जा रही कि हालांकि वो बुत परस्ती पूज लेकिन ये वो मानते हैं कि कोई ना कोई खुदा है, भगवान है जिसने दुनिया, अक्सर वो कहते हैं भगवान इसलिए कहते हैं लेकिन वो मानते देवी देवताओं को, लेकिन इस चीज को भी वो मानते हैं कि किसी ना किसी ने इस दुनिया को बनाया है
लेकिन फिर भी देवी दो कुत्तों को क्या चीजों को नहीं वो पूछते कैसे कैसे। तो वैसे मजाक क्या खेज वाली बात है कि मजाक वाली बात है कि क्या कैसा मजहब है। बुत परस्ती तो पुराने जमाने में बहुत रोम से शुरू रोमियों से जमाने में थी, लेकिन ये आजकल जो इसकी कोई समझ नहीं आती। फ्रांसिस पत्रस साहब ने बड़ी अच्छी लिखी है, पोस्ट भरी हुई जेब, बिल्कुल कि भरी हुई जेब आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के असल मानी समझा देती है। इसका मतलब है कि खाली जेब जो वो आपको भलाई की ज्यादा भलाई की तरफ ज्यादा लेके जाए। कई बार मैं पढ़ता, मैं खुद भी दुआ करता हूँ इस मामले में, और मैंने एक दो पोस्ट में भी खुदा बाप जी मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ कि मुझे दे, लेकिन इतना को देना कि जिससे मैं कोई गलत कार्य, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, जन सर जमीन एक ऐसी चीज है कि जो गुनाह की तरफ रागब करते हैं। तो फिर हम मांगे जरूर खुदा से, देना तो उसने, उसकी मर्जी हमारी किस्मत होगी या वाकई हम सच्चे लिए या किसी अच्छे काज के लिए अच्छी बात के लिए मांग रहे, लेकिन इसका मतलब है कि पैसा जो कुछ भी आजकल पैसे हमारे मुल्क में हो रहा है, किस वजह से कि जिनके पास पैसा है वो इंतहा की बदमाशी, इंतहा के गुनाह, इंतहा के जुल्म जबर कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लिखा है फ्रांसिस ने कि भरी हुई जेब आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के असल मानी समझा देती। बिल्कुल खाली जेब, और गरीब भी खुदा को मानते हैं, और बिल्कुल 100% क्यों लोग इधर से जाते हैं अमेरिका से इधर उधर दूसरे मुल्कों से, उधर जाके प्रीचिंग क्यों करते कि वो मानते हैं, और उन लोगों को हार पहना जाते हैं कि उनको वहां पर इज्जत ज्यादा मिलती, इसलिए इज्जत जो है गुर्बत में खुदा की खुदाई ज्यादा मानी जाती है। लेकिन हम उन गरीबों के साथ बुराइयां खूब दिल भर भर के करते हैं, जुल्म और जबर के इंतहा, रेप और इज्जत के जो मसले हैं, ये अमीरों और गरीबों पर बहुत जुल्म ढाया हुआ है। उसके बाद शाबाज नार रावलपिंडी से, जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरियां भी होते हैं, रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, और जब जिद और अना हो जाती है उस वक्त ही रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है। और यही होता है कि जिद जो है कि मैं ना मानू की वो बात जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है, और ये हम सबके सामने है। ये तो कहीं से लाने की या कहीं के सबूत देने की तो जरूरत है, सबूत तो हमारे सामने है, क्योंकि हम जिस माशरे हैं या जो हमारा माशरा जो हमारी बरादरी कम्युनिटी में है उनमें तो ये बातें बिल्कुल कि मैं की जिद जो है वो अकड़ की बेत, जो हमारा सर या यहाँ पर वो जब तक नहीं निकलेगा रिश्तेदारी बरादरी कम्युनिटी प्यार मोहब्बत वो कभी नहीं कायम रह सकता। उसके बाद यूनस फ्रांसिस साहब के यूके से वो शेर है, एक ही खुदा पर यकीन है मेरा, अगर एक ही खुदा पर मेरा यकीन है, खुदा बाप और खुदा बेटे पर, तो फिर बुराई हो सकती है बुराई नहीं हो सकती, नेकी हो सकती है बदी नहीं हो सकती। और बहुत अच्छा शेर, बस एक वही अमी है मेरा, वही मेरा एक ही है जिस पर मेरा ईमान है, मेरा पुख्ता ईमान है, किस पर, खुदा बाप पर खुदा बेटे पर। हर एक गुनाह मेरा एक दिन, मेरा हर एक गुनाह मेरा एक दिन, अगर हम सब समझे कि हम गुनाहगार हैं स्वयं खुदा बाप और खुदा बेटे के, इंसान गुनाहगार है गुनाहगार, अगर गुनाहों से माफी मांगे, और ये जैसे लिखा है फ्रांसिस साहब ने, हर एक गुनाह मेरा एक दिन वो बख्शेगा, ये यकीन है मेरा। और अगर हम सबका ये पुख्ता यकीन है कि वो बख्शेगा, हम उसके पास जाए तो वो बख्शनहारा है, उसने तो बख्श दिया स्लीप पर जान देकर अपना खून भाग कर हमें गुनाहों से मुखलसी दिला दिए, लेकिन हमें मजबूत रखना है, होना है कि हमारा पुख्ता यकीन है, गुनाह तो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम गुनाह करते ही जाएं तो फिर तो वही
जो अदन का दरवाजा फिर वो तो बंद होगा, वो तो नहीं खुलेगा। इसलिए हमें बुराई से बचना चाहिए, नेकी और भलाई के तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। साहिल नासरी, ये भी बहुत अच्छे शायर है, जहन उसका था गुलाम आना, बिल्कुल सही बात है कि, और बिल्कुल मैं अक्सर कहता कि हम गुलाम हैं, अभी तक भी गुलाम हैं, हम गुलामी से जब तक नहीं निकलेंगे, और जो भी आता है वो हमें गरीबों को गुलामी, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी गुलामी, और हम गुलाम आना जहन के हैं, उसको साहिल कहाँ थी आगाही, और उनको साहिल नासरी, एक साहिल मनीर है, एक साहिल नासरी है, साहिल नासरी है, और उनको ये चीजों की कहाँ थी आगाही, वो तो गुलाम है, उनको तो गुलामी का पता, उनको तो भलाई का कोई नेकी की राय नहीं को दिखा रहा। सक्का, सक्का भला कौन था, जब हुमायूं बादशाह को दर बदर हो गया था, तख्त छिन गया था, तो उस वक्त उसके माश की जरा पानी भरने वाला था, उसने उसको अपना दी थी, और उसने फिर उसने हुमायूं ने उससे वादा किया था, जब मैं अपनी हुकूमत में अगर जाऊंगा तो तुझे 3 दिन की बादशाही दूंगा। ये वो सक्के का जिक्र किया उसने, सक्का आया था बादशाह बनकर, कैसे करता वो फैसला शाही, वो तो एक माशकी था पानी भरने वाला था, वो कैसे शाही फैसले, और हम जो हैं हम शाही फैसले करना चाहते हैं, खुदा के फैसले हम खुद करना चाहते हैं, हम बुराई की तरफ बढ़ भी रहे हैं और लोगों को भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने भलाई भलाई की तरफ बढ़ना चाहिए, लोगों को ज्यादा भलाई की तरफ लेके जाना चाहिए। ऐसी तालीम घर घरों से, वैसे सबसे ज्यादा पहली जो तालीम माँ की गोद, फिर स्कूल की तालीम, उसके बाद तो जब जवान हो जाता तो फिर तो वो खुद अपने पांव पर खड़ा होता है कि किस तरफ जाना है, बुराई की तरफ या नेकी की तरफ। तो जो मैंने हवाला पढ़ा था नोहा की किताब में से, उसका 3:38-41 तक पढ़ा था, क्या बुराई और बुराई हक ताला के हुक्म से नहीं है, कि बुराई और भलाई हक ताला के हुक्म से नहीं, बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती है, और हम गुनाह भी करें और शिकायत भी करें, ये तो नहीं हो सकता। हम तो अगर भलाई करेंगे, नेकी करेंगे, खुदा के हुक्मों पर मानेंगे तो खुदा खुश होगा, तो फिर हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं, और हम जुल्म भी करते हैं, जबर भी करते हैं, फिर भी हम शिकायत ही करते हैं कि खुदा बाप जी हमने क्या गुनाह किया, गुनाह भी करते हैं और खुदा से गिला करते हैं कि हमने क्या गुनाह किया, गुनाह करते हैं, खूब करते हैं, पेट भर कर कहते हैं, जैसे कि पेट भर कर खाने वाली बात है, तो गुनाह भी इंसान पेट भर के कर रहा है और शिकायत भी करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर। उसके बाद हम अपनी राहों को ढूंढें, बिल्कुल हमें अपनी राहों को, अपने रास्तों को जो खुदा के घर की तरफ जाते हैं उनको हमें ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए, और जांचें, अपने आप को जांचें और खुदावंद की तरफ फिरे, खुदा के रास्ते, खुदावंद अपने आप को जांचें कि वाकई में कोई नेक काम कर रहा हूँ, भलाई के काम कर रहा हूँ, गुनाहों को छोड़े, गुनाहों की जिंदगी को छोड़े, जुल्म और जबर को छोड़े, एक दूसरे को इंसान समझे, प्यार मोहब्बत की बातें करें, तो फिर हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी। जब हम भलाई नहीं करते, नेकी नहीं करते, बुराई ज्यादा करते, गुनाह करते, तो फिर भी हम, फिर कसूर किसका है, उस पैदा करने वाला का तो नहीं, तो हमारा कसूर है कि जिसने हमें जिंदगी दी। उसके बाद आखिरी बात है, हम हाथों के साथ दिलों को भी, ये बहुत खूबसूरत है कि हम हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के तरफ, खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं, और हम सिर्फ हम हाथों को उठाते हैं दिखावे के लिए, हम हाथों, लेकिन जिस दिन हम अपने दिलों को भी हाथों के साथ खुदा की तरफ उठाना शुरू कर देंगे, हम माफ किए जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे, फिर नेकी की बातें ज्यादा आएंगी, बदी की बातें पीछे हट जाएंगी, शैतान पीछे हट जाएगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, और सब लोगों को बहुत खुश होता हूँ कि जो मुझे लाइव सुन रहे होते हैं, और बड़े
कल परसों एक पास्टर थे, पता नहीं क्लीप गेल थे या सब, बहुत अच्छी मुझे दुआएं दी उन्होंने फेसबुक पर। बहुत बहुत लोग कहते हैं कि जी आप खुदा, कई मुझे पास्टर कहते, लेकिन मैं हाथ जोड़ देता हूँ, जी मैं पास्टर नहीं, ये मुझे खुदा ने गाने के बाद बंद होकर मुझे ये खुदा ने एक दूसरा तोहफा दे दिया, दूसरा तोड़ा दे दिया, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाने को भी बहुत चमकाया और अब कोशिश है कि ये शो भी चमके और आपकी दुआओं से, आपकी खुदा के फजलों से और रहमतों से खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और फिर एक बार कहूंगा कि बुराई की तरफ ना जाए, नेकी की तरफ और भलाई की तरफ जाए। आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस, लिंक टीवी, आमीन।